हर बढ़ते साल के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कल्चर इतना ज़्यादा तेज हो रहा है भैया कि कम रिजल्ट लाना एक स्टूडेंट के लिए लिटरली दर्दनाक एक्सपीरियंस बन जाता है। एंड सेम इज़ फॉर नीट टू। अनफॉर्चुनेटली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की सीट इतनी ज़्यादा कम होती है कि सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ही इस रिजल्ट का खुशी मना सकते हैं, बाकी के 95% स्टूडेंट्स को लगता है कि दे आर फेलियर, जो कि वास्तव में नहीं है। फिर भी अपने कमरे से बाहर निकलने से भी उनको शर्म आने लगती है। एंड पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का एंड बाकी सारे लोगों का प्रेशर तो अलग। आई एम ऑलरेडी रिसीविंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस एंड कमेंट्स अबाउट इट। बट मेरे भाइयों बहनों, अगर आप दिमाग को शांत रख के आगे का प्लान सॉर्ट आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है एंड हर एक अपॉर्चुनिटी में आप अल्टीमेट लेवल का बड़ा उखाड़ सकते हो। विश्वास ना आ रहा हो तो जस्ट ये एक वीडियो देख लेना, मोटिवेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड साथ में आपके आगे की करियर मेकिंग स्ट्रेटेजी को भी हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे। एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपका टेंशन एंड स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। अभी सोशल मीडिया पे आपको सिर्फ एंड सिर्फ टॉपर्स के रिजल्ट्स ही दिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी मेहनत साकार हुई है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं लोग एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मोस्ट वेलकम इन द मेडिकल फील्ड। आई एम रियली हैप्पी एंड आई विश कि आगे भी आप ऐसी ही सक्सेस अचीव करते रहो। अब जिसने भी बायो लिया है 11th 12th में, उसका कहीं ना कहीं पे एक ही गोल होता है कि भैया मुझे MBBS बन के डॉक्टर बनना है। लेकिन सपोज अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि आपका रिजल्ट कम आया है, इतना कम है कि आपको MBBS में नहीं मिल रहा, जो कि आपको शायद थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड भी होगा रिजल्ट के पहले। लेकिन अब क्या कर सकते हो आप? तो देखो, इतनी सारी लाइफ एंड टफ सिचुएशंस देखने के बाद मेरे पास इतने सारे तो एक्सपीरियंसेस है ही कि सक्सेस एंड फेलियर के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें आपको बता सकूं। लो रिजल्ट आने पे भैया आपको टेंशन आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको इतना भयंकर टेंशन आएगा कि आपको अपने पेरेंट्स को फेस करने से भी डर लगेगा। पूरी दुनिया को आता है, बट बिलीव मी इट्स जस्ट अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन। टेंशन आना कोई बुरी बात नहीं है, जितना आप उसको भाव दोगे उतना वो ज़्यादा आपके सर पे चढ़ता जाएगा। एंड जितना आप उसको नॉर्मली लोगे कि चलो ठीक है भाई रिजल्ट बुरा आया है तो खुशी तो थोड़ी होगी, टेंशन ही होगा ना। अब टेंशन आया है तो आया है, थोड़े दिनों तक रहेगा, फिर ऑटोमेटिक धीरे धीरे चला जाएगा, दुनिया भी भूल जाएगी सारी चीज़ों को एंड हम भी अपनी तरफ से कुछ अच्छा डिसीजन लेके अपनी लाइफ को आगे ले जाएंगे। अब वो रास्ते की भी बातें करेंगे आगे, बट एक बात दिमाग में रख लो भैया कि आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे लाखों बच्चे हैं, हर साल होते हैं एंड आगे भी होते रहेंगे, फिर भी वो लोग MBBS के लेवल का या फिर MBBS से भी बड़े लेवल का उखाड़ते हैं आगे जाके अपनी लाइफ में। ऑल द MBBS इज अ ड्रीम एंड ड्रीम तो ड्रीम ही होता है, बट अगर वो नहीं मिला तो अब क्या, उखाड़ना तो है ही है लाइफ में, कैसे भी करके उखाड़ेंगे। MBBS में होते तो भी इजी तो था नहीं, उतनी मजदूरी कहीं और करेंगे तो भी MBBS के लेवल का उखाड़ ही सकते हो। मेरे 2-3 हार्श रियलिटी वाले वीडियोस देख लेना, आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन आ जाएगा कि चलो अच्छा हुआ कोई नहीं MBBS नहीं मिला तो भी अच्छा ही है। नो डाउट फायदे हैं MBBS के, मना नहीं कर रहा, बट भैया नथिंग इज इजी इन लाइफ। मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा एंड अगर अच्छे से करोगे तो ऑटोमेटिक सब आता जाएगा। भैया गौतम अदानी जैसे कॉलेज ड्रॉप आउट्स भी वर्ल्ड के टॉप बिलियनर में इंक्लूड हो सकते हैं तो भैया हम भी उखाड़ लेंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें। जहाँ तक आगे का डिसीजन लेने की बात है तो मोटे मोटे 3-4 ऑप्शन है आपके पास। अगर MBBS मिल रहा है, अच्छा स्कोर आया है एंड गवर्नमेंट में मिल रहा है तो ले लो, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड वही चाहिए आपको। अगर गवर्नमेंट में MBBS नहीं मिल रहा है, स्कोर उतना अच्छा नहीं है, तो आपके पास 2 मेन ऑप्शन है। एक तो आप प्राइवेट से या फिर फॉरेन से MBBS कर लो, या तो फिर आप ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर लो। प्राइवेट या फिर फॉरेन का ऑप्शन मैं पर्सनली प्रीफर नहीं करता, जिस हिसाब से मेरी कंडीशन रही है एंड जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है आज तक। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट अगर आपके पास मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है या तो फिर अच्छे खासे पैसे नहीं है तो आपके लिए प्राइवेट और फॉरेन लॉन्ग टर्म पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेते तो आप ले लोगे, लेकिन 10 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको लगेगा कि यार इतने ज़्यादा पैसे डाल दिए एंड फिर भी अभी 30 साल की उम्र में नेट अकाउंट बैलेंस 0 है एंड आगे अभी तो खुद की हॉस्पिटल, घर, गाड़ी सब कुछ खुद से ही खड़ा करना है। हाँ, MBBS प्राइवेट में करके आप PG गवर्नमेंट में कर सकते हो, बट अगेन MBBS के बाद आप 50-60 लाख रुपये माइनस में होंगे, जो गेन बैक करते करते आप 30 साल के हो जाओगे एंड तब तक अगेन आपके अकाउंट का नेट बैलेंस रहेगा 0, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास पहले से पैसे तो है नहीं एंड 25 साल की उम्र के बाद माँ बाप से या घर से लेने में भी शर्म आती है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपना सब कुछ बेच के हमको पढ़ाया है एंड फिर भी हम अब कमाने की उम्र में भी, जब उनको आशा होती है कि अब हमारा लड़का डॉक्टर बन गया कमा के देगा, तब भी हम उनसे ही पैसे लिए तो वो कोई बात नहीं है। मेरे वर्ड्स थोड़े से स्ट्रिक्ट साउंड कर रहे होंगे, लेकिन यही रियलिटी है जो आपको थोड़े सालों बाद एहसास होता है। अभी सबको नशा होता है कि डॉक्टर बन जाएंगे, वाह वाह डॉक्टर वाली जिंदगी, हाहा, लेकिन बाद में जाके आपको पता चलता है हर एक डिसीजन आपको लॉन्ग टर्म का सोच के ही लेना चाहिए एंड ऐसी ही रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे बताता हूँ, सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। सो पैसे है तो ही प्राइवेट में जाओ, बाकी घर, जमीन, गहने सब कुछ बेच के बस डॉक्टर बनना है इसलिए प्राइवेट ले लिया, दैट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, रैंक भी कम आया है, फिर भी MBBS करना है तो ड्रॉप ले लो भैया, विच इज़ अ फार बेटर ऑप्शन अगर आप अभी भी सुधर जाते हो तो।
एक साल के अंदर अंदर अगर अच्छे से डेडिकेटली मेहनत करते हो तो भैया ऑल इंडिया रैंक 1 तक का फोड़ सकते हो आप। लेकिन ये रिजल्ट का दिन याद रखना पड़ेगा भैया। बाकी अभी 4-5 दिन तक तो सबको मोटिवेशन रहेगा कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन फिर बाद में वही सेम सोशल मीडिया एंड दोस्तीबाजी। देखे मैंने ऐसे भी लोग देखे जो पूरा साल बस फोड़ना है करते रहते हैं, लेकिन फोड़ने के नाम पे सिर्फ हवा में गोलीबाजी करते हैं। तो भैया अगर ऐसा करना है तो मत लेना ड्रॉप। एंड अगर आप ड्रॉप लेके नीट 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट यू टू गो विद द फुल फ्लेज्ड एनसीईआरटी बुक्स। भैया एनसीईआरटी की बुक्स को चाहे चबा के खा जाओ या फिर सीधा सीधा निकल जाओ, लेकिन उसको दिमाग में घुसा दो। एंड साथ में अगर कोई अच्छा कोचिंग प्लेटफॉर्म होगा तो प्रिपरेशन में काफी इजीनेस आ जाती है। एंड फॉर दैट मैटर नो बडी कैन बीट फिजिक्स वाला। यस, फिजिक्स वाला इज नॉट अ कंपनी, इट्स एन इमोशन। एंड ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इसको प्ले स्टोर पे भी 5 मिलियन डाउनलोड्स पे 4.8 स्टार का रेटिंग है, मतलब गजब। अभी पीडब्ल्यू के सारे कोर्सेज पे अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं अंडर पीजीएफ 2.0 टीचर्स डे सेलिब्रेशन। बट हम ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो ड्रॉपर्स के लिए अभी फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया यकीन 3.0 बैच। यहाँ पे इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको बिल्कुल ही कॉस्ट इफेक्टिव पैकेज में मोस्ट प्रैक्टिकल लेक्चर्स पढ़ाती है। एंड अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो हिंदी में भी लेक्चर्स अवेलेबल है। अगर नीट अच्छा नहीं गया है एंड ड्रॉप लेने का सोच रहा है तो दिस इज द बेस्ट कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट। जहां पे मार्केट में लाखों रुपए के कोचिंग से वहां पे 4-5 हज़ार साल के भैया कुछ भी नहीं होता। ऊपर से 15 सितंबर तक यकीन 3.0 के साथ यकीन 2.0 एंड यकीन 1.0 भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। एंड उसमें भी मेरा कोड यूज करोगे DPW150 तो आपको इंस्टेंट 150 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। भैया सोने पे सुहागा करके दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके प्रिपरेशन में लग जाओ। अगर आपका एक ड्रॉप ऑलरेडी हो गया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो एक साल और ड्रॉप ले सकते हो। मैक्सिमम 2 ड्रॉप ले लो, उससे ज्यादा का सेंस नहीं है। उतना ही पैसा, टाइम एंड एनर्जी अगर आप किसी और बिजनेस आइडिया पे लगाओगे तो ज्यादा कमा लोगे। अगर आपने 2 ड्रॉप ऑलरेडी ले लिए हैं तो भैया मैं आपको बोलूंगा कि बस अब छोड़ दो ये सपना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हियर दिस, बट भैया आपको आपकी लाइफ के लिए बेस्ट डिसीजन लेना पड़ेगा एंड दैट इज दिस ओनली। 2 ड्रॉप के बाद छोड़ने में ही भलाई है। आपसे उतनी मेहनत अब हो ही नहीं पा रही है। आपने 4 साल दे दिए एक एग्जाम के पीछे, फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो मतलब एग्जाम का फॉल्ट नहीं है, आपका ही फॉल्ट है। आपको ही प्रिपरेशन से ज्यादा और बाकी सारी चीजों में इंटरेस्ट है जिसकी वजह से प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हो। सो इट्स बेटर कि आप प्राइवेट या फिर फॉरेन में एडमिशन ले लो या तो फिर कोई और ब्रांच ले लो। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। कोई और ब्रांच में आती है आपके आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नर्सिंग, फिजियोथेरापी, डेंटल, MLT एंड बाकी सारी चीजें। कोई भी ब्रांच ले लो बिकॉज अल्टीमेटली दे आर ऑल एसोसिएटेड विद द हेल्थ केयर एंड सो आपका मेडिकल फील्ड के साथ एक अटैचमेंट बना रहेगा। कुछ कुछ फील्ड में तो इवन आप डॉक्टर ही कहलाते हो एंड डॉक्टर के जितना ही कमा भी लेते हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना हार्डवर्क एंड डेडिकेशन कर पाते हो। दुनिया के किसी भी फील्ड में, दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, अगर आप अच्छा करके दिखाओगे, वर्ल्ड का बेस्ट लेवल का परफॉर्म करके दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली दुनिया आपको नोटिस कर लेगी। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में आपको यूट्यूब पे डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगे। मेरा काम आपको सिर्फ MBBS एंड नॉन MBBS का कन्फ्यूजन जो था वो सॉर्ट आउट करने का था, जो आई थिंक इससे बेटर है मैं आपको कोई नहीं समझा पाएगा। एंड अगर आपको लगता है कि बस कुछ नहीं करना है, मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं है, सुसाइड कर लेता हूँ जैसे सारी तकलीफें सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुसाइड से तकलीफें सॉर्ट आउट नहीं होती है, सुसाइड से तकलीफें बढ़ती है। आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की एंड इंडिया के हर एक बच्चे की जिसके कम मार्क्स आए हैं ये न्यूज सुनने के बाद। सो सुसाइड इज नॉट एट ऑल एन ऑप्शन भैया। इतनी लंबी लाइफ है भैया, हर एक फेलियर के बाद 100 रास्ते खुलते हैं आगे सक्सेस अचीव करने के। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, हारा हुआ इंसान ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि उसको पता है कि डिफिकल्टीज को कैसे हैंडल किया जाता है, उसको पता है कि स्ट्रेस, बर्नआउट, डिप्रेशन में से कैसे बाहर निकला जा सकता है। एंड इवन मैंने भी अपने डिप्रेशन के बाद ही ऑल इंडिया रैंक 2 क्रैक किया था एंड उसके बाद से आप सबकी कृपा से लाइफ की गाड़ी नॉनस्टॉप चल रही है। सो सुसाइड नहीं करना है भैया, खड़े होना है एंड इतने बड़े लेवल पे खड़े होना है कि भैया दुनिया देखती रह जाए, आपकी कहानियां लिखी जाएगी एंड आप एक इंस्पिरेशन बन जाओगे कि इतना बैकअप होने के बाद भी इस बंदे ने इतने बड़े लेवल का उखाड़ा है एंड आप उखाड़ोगे भी भैया। हाँ, ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं एंड उसके लिए एक अलग ही लेवल का भूत सवार करना पड़ेगा अपने दिमाग पे। लेकिन इतनी सारी ठोकरें खाने के बाद आपको पता तो चली गया होगा भैया कि लाइफ को लाइटली लेना बंद करना पड़ेगा। मौका एक ही बार आता है एंड जब आता है तब उठा लेना पड़ता है भैया। एंड ये मौका आपको पता था फिर भी आपने 2-3 साल पूरे के पूरे वेस्ट कर दिए। सबको सब कुछ पता होता है बट वो हॉर्मोन्स एंड भावनाओं को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मजा आता है एंड मजा ही करना होता है बस, बाकी चाहे जो होगा वो देखा जाएगा। फिर वो मजा आपको रिजल्ट के दिन थोड़ा बहुत दुख भी दे देगा ऐसे, तो अब आपका डिसीजन था मजे लेने का तो अब थोड़ा बहुत दुख भी सहन कर लो। कुछ तो इतने ज्यादा हेट कमेंट्स आए हैं कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ही बकवास है, वो मुझे डांट ही रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है एक्सेट्रा। तो भैया दुनिया में आपकी अगर किसी को सबसे ज्यादा वैल्यू है ना तो वो है आपके पेरेंट्स। वो आपको इसलिए डांट रहे क्योंकि उन्होंने देखा है कि पूरे साल आपने क्या घूल खिलाए हैं। अपनी रात दिन की कमाई आपके पीछे उन्होंने लगाई है तो उनकी भी एक छोटी सी आशा होती है कि आप उनका नाम रोशन करके दिखाओ। एंड अभी भी जो डांट रहे हैं ना, वो इसलिए डांट रहे ताकि आपको थोड़ी बुद्धि आ जाए, आप थोड़ा बहुत सुधर जाओ एंड अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। उनकी लाइफ तो खत्म हो चुकी है, अब वो आपकी लाइफ बनाना चाहते हैं एंड इसलिए डांट रहे हैं। हाँ, तरीका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डांटने का, बट अल्टीमेटली दे आर द वन जिनको आपसे भी ज्यादा दुख हुआ है आपके रिजल्ट का। सो कभी भी पेरेंट्स को हेट मत करना भैया,
एक बार उनसे जाके आराम से बैठो, उनके माफ़ी मांगो एंड बोलो कि मेरे से गलती हो गई, अब मैं आगे ध्यान रखूंगा एंड अपनी पूरी की पूरी लाइफ चेंज करके दिखाऊंगा। एंड ऑनेस्टली ये जो अपने ही कर्मों के बाद जो रोना धोना आप स्टार्ट कर देते हो ना, उसको बंद करना पड़ेगा भैया। मेरे वर्ड्स थोड़े से हार्श हो सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर अभी भी लाइफ में कुछ बड़ा उखड़ना चाहते हो तो। आप खुद सोचो कि क्या आपको पता नहीं था कि नीट की एग्जाम आपकी लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ड्रॉप भी लिया होगा आप में से कुछ लोगों ने, फिर भी पूरा साल क्या किया? YouTube, Instagram, Facebook, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड एंड बाकी क्या क्या किया है। YouTube पे आके हर वीडियो के नीचे कमेंट्स स्पैम करेंगे कि वी विल क्रैक, लेट्स क्रैक टुगेदर। एंड पता नहीं अलग ही लवेरिया चलता है WhatsApp एंड Instagram के चैट में तो। सिंपैथी एंड मोटिवेशन के नाम पे रोमियो जूलियट वाला रोमांस चलता रहता है भैया YouTube के कमेंट सेक्शन में। बट भैया मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ऐसी कमेंट्स करने वाला लोग एग्जाम्स क्रैक नहीं करते हैं। हाँ, टॉपर्स भी सारे वीडियोस देखते हैं, वो लोग कमेंट्स भी करते हैं अच्छी अच्छी, लेकिन ऐसे हर वीडियो के नीचे स्पैम नहीं करना होता है, उतना टाइम ही नहीं होता है सीरियसली प्रिपेयर करने वाले बच्चे के पास। अच्छा वीडियो है तो देखो, जेन्युइनली अच्छा लग रहा है तो नीचे या तो एक थैंक्स गिविंग मैसेज या फिर कुछ सजेशन छोड़ना है तो छोड़ दो एंड फिर बंद करके बैठ जाओ। फिर वो कमेंट के नीचे कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने रिप्लाई किए, हार्ट मिला या नहीं, वो सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। बात खत्म उसी पॉइंट पे जहां पे कमेंट्स आप बंद करते हो। जैसे दुकान पे कोई चीज लेने जाते हो तो अंकल को पैसा देते हो एंड चीज लेते हो एंड फिर घर चले जाते हो, वैसे ही यहां पे भी ऐसा ही करना है। YouTube का अच्छा वीडियो है तो देखो, नीचे कोई अच्छा मैसेज देना है तो लिख दो एंड फिर बंद करके बैठ जाओ। YouTube जरूरी है, कुछ तो बहुत ही यूनिक वीडियोस है जो देखना ही चाहिए, बट वो आपको क्लियर कट डिसाइड होना चाहिए कि क्या देखना है एंड कितने टाइम के लिए देखना है। एंड सेम फॉर Instagram, WhatsApp एंड बाकी सारे सोशल मीडियाज के लिए। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है भैया, एंड करने वालों ने किया भी है। अगर अच्छे रिजल्ट वाले 100 बच्चों में से 10 साल बाद 80 बच्चे सक्सेसफुल बनते हैं, तो बुरे रिजल्ट वाले 100 बच्चों में से भी 40 बच्चे सक्सेसफुल बनते ही बनते हैं। एंड हम वो 40 बच्चों में आएंगे भैया आज से 10 साल के बाद। हाँ, 10 साल तो लगेंगे ही लगेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। इवन चतुर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने के बाद भी उसने रेंचो से 10 साल का वादा लिया था। चल लगा बैठ, 10 साल के बाद वापस आएंगे, देखेंगे कौन ज्यादा सक्सेसफुल है। याद आया, यहीं पे उस इडियट से शर्ट लगाई थी, क्योंकि उसको पता था कि 10 साल लगेंगे अगर कुछ बड़े लेवल का उखड़ना है तो। रेंचो को भी एंड उसको भी हार्ड वर्क तो भैया लाइफ में करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपका नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 ही क्यों ना आ जाए। यस, नीट का रैंक लाइफ में मैटर करता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं जितना आप दिमाग में सोच के बैठे हो। अगर नहीं आया तो नहीं आया, आगे तो बढ़ना ही है, यही प्रैक्टिकल चीज है ना। अब उसके रास्ते क्या है वो आपको दिमाग शांत रख के सोचने पड़ेंगे। मैंने आपको जितना मेरे से हो सकता था उतनी सारी चीजें स्मार्ट वे में बता दी है। अब थोड़ा बहुत आप भी सर्च कर लो एंड अपने लिए बेस्ट डिसीजन है वो निकाल दो। अगर और भी ज्यादा मोटिवेशन चाहिए तो ये वीडियो देख लो, वरना ये वीडियो देखो जो किसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।